जेनेटिक टेस्टिंग अगेन, ये दोनों बच्चे हैं, दोनों ही रिटार्डेड हैं और इजाज़त से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों की, आप इनकी खाला की बेटी लगती हैं क्या, रिश्तेदारी क्या है? कितने बच्चे हैं आपके? तीन। दो ऐसे हैं? ठीक है, आप ये बात शायद सही कर लेते हैं, समझ बूझ लेते हैं। ठीक है, वो देखें, सी हर हैंड। तो अब ये बेचारे मौरूसी बीमारी का शिकार हैं, डेवलपमेंटल डिले है दोनों को, और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं जेनेटिक टेस्टिंग और उसकी तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं फिर बार बार वही बात करूँगा, अगर ये लोग कज़न मैरिज से पहले जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते, हम आई थिंक ऐसा कोई बदनसीब मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा कज़न मैरिजेस पे बिलीव रखता है। यहाँ तो हम लड़की को घर बिठाते हैं या हमने ख़ानदान में देनी होती है। ख़ानदान में देना मना नहीं है, लेकिन आप मौरूसी, आग बाकी भी सारी शादियाँ ख़ानदान में ही की हुई हैं जी। हाँ, खानदान में छोर किसी ने ये बीमारी है की? ठीक है, सही। अब इनको डेवलपमेंटल डिले है, कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी चल रही है, कोई क्या है, ये सब जेनेटिक टेस्टिंग और बाकी फर्दर जो जेनेटिक्स के डॉक्टर्स हैं जिनसे मैं रबते में हूँ, स्पेशली जो इन सारी बीमारियों को देखते हैं, उनसे भी मैं कंसल्ट करूँगा। मैं मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी स्पेशलिटी नहीं है जेनेटिक्स, बट मेरे पास पेशेंट्स आ जाते हैं मल्टीपल सिम्टम्स के साथ। कुछ शी डिज़र्व्स केयर ऑफ द सोसाइटी, और ये इंतहाई गरीब होंगे, और मैंने आज तक इन लोगों से एक रुपया भी चार्ज नहीं किया, और उसकी रीज़न ही है नहीं, मैं तो पैसे आपसे लूँगा ही नहीं, मैंने कभी पैसे लिए भी नहीं है। लेकिन ये है कि आप जैसे मरीजों से, लेकिन ये है कि खुदा के लिए आप एक मेहरबानी ज़रूर करें कि जो भी पाकिस्तान में मुझे देख रहा है, जो जहाँ भी देख रहे हैं, इनको इतनी मेहरबानी ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप लोगों को जेनेटिक टेस्टिंग या ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे शादी से पहले, कज़न मैरिज ख़ानदान में करने से पहले, अगर ये टेस्ट नहीं होंगे, जेनेटिक टेस्ट नहीं होंगे, तो ये हालात जारी रहेंगे, और ये हालात संगीन से संगीन तर हैं। बच्चों को इजाज़त से आपकी दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई इनकी मदद कर सके तो हमें कॉन्टेक्ट करके इनकी मदद करे, और जो इनका इलाज करा सके वो इलाज कराए। लेकिन स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पहले ही रोक लें, वो सानिया क्या सानिया जो हो गया, ठीक है। तो इसलिए वक्त करता है परविश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, वी हैव टू स्टॉप देम बिफोर दे हिट अस, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में हर तरफ यही कुछ है। डॉक्टर अफान साइनिंग ऑफ।